नमस्कार, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेके क्राइम वॉच की टीम जो है आज उन्होंने यहाँ पे विजिट की। हम इस वक्त जो है तुलनिया पंचायत में शेरे कश्मीर ब्रिज के पास ही होंगे और जेके क्राइम वॉच की टीम आपको बताएगी कि आज का जो युग है वो किस तरीके का था, किस तरीके से चल रहा है और इससे पहले का जो युग था वो क्या था। यहाँ हमारे साथ एक चक्की जिसको आटा चक्की बोलते हैं, वहाँ के हमारे साथ वो जुड़ चुके। हम उनसे जानेंगे कि ये मक्की वगैरह या गेहूँ है उसको यहाँ पे ये खुद तैयार करते हैं। ये पानी से ये चलती है, नेचुरल जो सदियों पुरानी परंपरा है उसमें ये आज तक इन्होंने उसको जो है वो कामयाब रखा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज की इलेक्ट्रॉनिक जो ये चक्की यहाँ चलती है और ये नेचुरल जो है ये चक्की, इसमें क्या अंतर है, इनसे जानेंगे। हाँ जी, तुम्हारा नाम जी? हाँ जी, सुना मुन्ना। तो दसो कि तुम कितने देर तुम्हें वाला काम कर? मैं काम करना आया तकरीबन 25-30 साल। तुसे के फर्क लगा के जड़ी के बिजली चक्की चलनी है? बिजली वाली चक्की जी आटा सारे खत्म करनी जी, इस नाल कोई रीस नहीं जी। इसका स्वाद अलग है, बिजली ना अलग। इस चक्की वाला आटा पीसने तो बिजली वाली चक्की नहीं दी, ये चक्की चल रही है पानी पर। तुसे कितने देर तो काम कर रहे हो? मैं ये काम कर रहे हैं 30 साल तू इधर। ठीक है, जहाँ तुसे इसने बिच कितना है मक पाने उस चक्की दे बिच जड़ी इसकी? इस चीज मक ना साहब ये है कि मक डाल दी तो होनी बक्सा जा बनाया ना वो ऊपर रखने हैं, उसमें मक पा देने और कितना दाना अपने मांगना उतना ही लाना। ठीक है, चाहे घंटे नहीं 10 शेर कटे, घंटे नहीं मन भी कर सकना जी। जैसा जैसा मतलब सूत्र आ जाए ना सर, क्योंकि हाथ नहीं कारगरी है, मशीनरी नहीं। तो पानी वगैरह इसकी आने से कितना प्रेशर चाहिए होना? इसकी प्रेशर चाहिए ना कम से कम 200 वाट के ऊपर। अच्छा, हाँ कहाँ चलना है, अगर इसको घट प्रेशर है फिर ही चलना है। इसकी नाड़ रखने से नाड़ और टिक करने नाड़ कम से कम 5-6 गज के ऊपर होनी चाहिए, फिर ही चलेगा। अगर उसको घट है फिर नहीं चलना है। तो तुम मेरी ये गल दसो कि तुम को किस तरह किलो बेचने आटा? तुम आटा इसलिए मार्केट रेट है 35। ठीक है, माकना आटा तो मैं चक्की पर इसलिए दे रहा 30, मैं 35 नहीं देता। मुझे मैं जाति लोग अपने आंटी गुआढ़ी लोग आने मुझे असाई मेरे को फर्क करो, मैं फर्क यही है भाई, मैं मेरे को 30 है चक्की, बाकी चक्कियाँ को ले जाओ बाजार में जाओ तो 35। तो तुम्हें काम करने में कि अपने आप की कोई खुशी मिली इस काम में? इस काम में मेरी खुशी है कि मैं अपना टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास ये कि पब्लिक की सेवा अलग है, ये किसी की पब्लिक की सेवा, क्यों हर आदमी चक्की चला नहीं सकना, हर आदमी ने वहां रोकनी नहीं है। ये किसी की मशीनरी अपने हाथ में तैयार करनी फिर चलानी है, जिसकी जानकारी इतनी है वही चला सकना, दूसरा नहीं चला सकना। तो आम लोग जो पूछ रहे लोग खास तौर पर पुराने भी और नवे भी, जड़ी नवी पीढ़ी है उसकी क्या तुसे स्नेहा देश होते? नवी पीढ़ी ये स्नेहा देश में इसलिए पढ़ाई ना दौर है, इलेक्ट्रिशियन उसका दौर है, मशीनरी ने दौर है, ये पुराना खाता जब जिम्मेदारी खाता कम करके लोग ये चक्की शक्की चलाना लोग कम करके, कोई पुराना बुजुर्ग है वो चला रहा बाकी नहीं है जी, इसको पल्ले कुछ नहीं पैना। मैं पल्ले पैन वाली गल लग रही फिर इतने कुछ नहीं है, इसी चीज़ है पब्लिक की सेवा है। सेवा है, लेकिन तुम्हें और गल दसा कि काफ़ी जड़े अजकल जड़े बच्चे हैं ये मक्के की रोटी नहीं खाने, बच्चे आज परहेज कर रहे हैं फुलका ही ज़्यादा आने का फुलका ही चाहिए। मक्ने आटे बच्चे पसंद ही नहीं करते, लेकिन मक्ने आटे जैसी चीज़ कोई नहीं। इसमें क्या बेनिफिट है मक्ना आटा? इसमें बेनिफिट ये है कि इस पेट साफ रहना, ज़्यादा साफ रहना, सेहत सही रहनी है। लस्सी मर्ची बनाओ, इतनी रोटी पकाओ तो खाओ तो उसका स्वाद ही अलग है। पता जरा था यूरिया खाद कोई खाद नहीं, देसी खाद आसानी कमाई।
खाने से सेहत यानी सेहतमंद हो पीने से। आज जो खाता नहीं है, आजकल यूरिया इस्तेमाल हो गया, पंजाब ना आटा हो गया, वो खाने लोग बीमारियाँ हस्पताल ही चलने लगे, बीमारी फैल गई आम, इस वजह न फैल गई। मेहनत करना तकरीबन लोग कम कर गए, जोड़ा पुराना खाता था जड़ी बूटी इस्तेमाल करने से या कोई अपना पुरानी खाद खुराक जी थी देसी थी वो इस्तेमाल करने से वो कम हो गई, उसकी वजह जरा लोग आजकल आपने देखा होगा कि हर इंसान बीमारी की वजह से परेशान है, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जड़ी बूटी का हिसाब किताब लोग छोड़ गए, जंगल से सब्जी जाते थे बना के खाते थे, वो दवाई की तरफ इसका इस्तेमाल होती थी, अब ये बाज़ार से ले आते खाते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हो रही है, उसमें यूरिया इस्तेमाल है, यूरिया जो है यूरिया खाद वो जोड़ भी पकड़ गई, जिसम भी जवाब कर गया। देखो इतने पहले दूर वालों का क्या हाल है, नज़दीक आ गए, नज़दीक का मतलब ये होगा नज़र कम हो गई, जो चलते थे उनका क्या हाल है, बैठ गए, बैठने का मतलब बस लिंग जवाब दाएगी बैठ, जो बैठे थे उनका क्या हाल है, वो दांत थे वो जवाब देगी, ये मसला कि जब बुरा हो गया आदमी उसका जवाब हो गया, दांत जवाब देगी, लिंग जवाब देगी, नज़र जवाब देगी, उसका हिसाब से संपर्क नहीं। जी शुक्रिया। आपने सुना जेके क्राइम वॉच की टीम ने जो है इनसे पूरा इस पर जाना, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि आजकल के जो है आजकल की जो पीढ़ी है खासतौर पर ये मक्की की रोटी है इसको जो है कम खाती है, कई जगह मक्की की रोटी जो है वो घर में शायद ये आटा ये लोग ले जाते, उसमें ये इन्होंने कहा है कि ये जो कनक का आटा है वो उसको जो फ्लोर मिला है उससे ये मक्की का आटा ये जिसको देसी भाषा में ये वाली फ्लोर में हम अपनी भाषा में इसको कराड़ बोलते हैं, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कुदरत की तरफ से नेचुरल जो है इसमें ये आटा होता है, तो इसमें किस तरीके से मक्की होती है, किस तरीके से इसको ये तैयार करते हैं, और इसमें कोई खाद कोई कुछ नहीं है, ये खाने से आदमी की सेहत जो है ठीक रहती है। इन्होंने एक आम जो है पूरे तकरीबन पूरी जो जितनी भी पूंछ की आवाम है और खास जो मेरे चैनल के देखने वाले लोग हैं उनसे ये मैसेज पहुँचाया है कि मक्की का जो है आटा इसको जरूर यूज़ करें, इसमें उनकी जो सेहत और जो है तंदुरुस्त रहेगी, क्योंकि हर चीज़ में आजकल यूरिया और हर चीज़ जो है हर चीज़ में मिलावट है, जिसकी वजह से हर आदमी को कोई ना कोई बीमारी की परेशानी है। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की ये